नाउ, इससे पहले हमने समझा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी में बताता है कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी को जो होता है केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, और यही एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना ही कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जब एक एनर्जी की एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो इस फिनोमेनन को हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। लेट अस स्टार्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के अंदर जैसा हम जानते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड। इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म, इसे केवल ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। एंड इट कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म। एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी ऑफ वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होना ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। वो किस प्रकार से, जब हम नोटिफाई करेंगे इस चीज को, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमने बल्ब लाइट एनर्जी प्रोड्यूस की, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस की, जिस बल्ब के अंदर लाइट एनर्जी प्रोड्यूस की। तो कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, और बल्ब के अंदर लाइट एनर्जी कन्वर्ट किया और लाइट एनर्जी के साथ साथ इसमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, लाइट एनर्जी के साथ साथ हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई बल्ब के अंदर। तो इस तरीके से जो लाइट एनर्जी थी बल्ब के अंदर, जो लाइट एनर्जी जा रही थी उसने हीट भी प्रोड्यूस किया। तो इस तरीके से हमारी एक फॉर्मेशन और हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी से बल्ब के अंदर लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हीट एनर्जी भी साथ साथ में प्रोड्यूस होती गई। इस तरीके से अगला एग्जांपल है विंड एनर्जी। हमने लिया विंड एनर्जी, विंड एनर्जी ली, विंड एनर्जी को हमने मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट किया, विंड एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, और इस मैकेनिकल एनर्जी का यूज करके हमने जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी पैदा की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की। तो इस तरीके से विंड एनर्जी, और हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने लिया वाटर, हमने क्या लिया, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे ऑफ वाटर एनर्जी की मदद से हमने क्या किया, रोटेशनल एनर्जी प्रोड्यूस की।
हमने एक टरबाइन जो था उसे रोटेट कराया, तो रोटेशनल एनर्जी प्रोड्यूस की, और उस रोटेशनल एनर्जी की मदद से हमारे अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ। इलेक्ट्रिक करंट की मदद से हमने अपना फैन चलाया, फैन, तो उसके अंदर रोटेशनल एनर्जी आई, फैन के अंदर रोटेशनल एनर्जी आई। एंड एक और लेते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी, हमने न्यूक्लियर एनर्जी ली, न्यूक्लियर एनर्जी को हमने बॉम्बार्ड कराया, तो उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, हीट एनर्जी, ब्लैक कोयला जिस तरीके से प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से क्या हुआ, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने से जो वाटर की भाप थी वो मोशन में आई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, टरबाइन में रोटेशनल एनर्जी पैदा हुई, रोटेशनल एनर्जी इन टरबाइन, टरबाइन के अंदर रोटेशनल एनर्जी पैदा हुई, और रोटेशनल एनर्जी होने से उसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूसेस। तो इस तरीके से हम एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, और यही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है, क्योंकि एनर्जी जो होती है कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, उसकी केवल फॉर्म को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म।